आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डेस्टिनी, यानी कि भाग्य और एस्ट्रोलॉजी, और आखिर कैसे डेस्टिनी आपकी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं सुविज्ञेंदु सुत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आइए, आपको ज़्यादा वेट ना करवाते हैं, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लाइफ में सक्सेस या फिर स्ट्रगल तो हम सबकी लाइफ में होता है, पर कुछ लोगों को लाइफ के अर्ली स्टेजेस पे सक्सेस मिल जाती है, तो वहीं कुछ लोगों को पूरी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ लोग टैलेंटेड भी नहीं होते पर उन्हें बहुत ही आसानी से सक्सेस मिल जाती है, तो वहीं कुछ लोग काफ़ी टैलेंटेड और मेहनती होने के बाद भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। तो इस पूरी सिचुएशन या फिर इम्बैलेंस के पीछे एक चीज छुपी होती है, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध, यानी कि डेस्टिनी, और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसी के साथ बेल आइकन को दबाएं। हमारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, पर हमारे पास फ्री डिसीजन लेने की पावर होती है। जैसे कि आप कहाँ जन्म लेंगे या फिर आपको कैसी बॉडी मिलेगी, ये सब पहले से ही लिखा हुआ होता है। सपोज करें आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप वहाँ बस लेके या फिर एयरप्लेन लेके नहीं जा सकते, ये डेस्टाइंड है कि आपको ट्रेन लेके ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचना होगा। हाँ, अब आप स्लीपर क्लास से जाएंगे या फिर एसी क्लास से जाएंगे, वो आपके ऊपर होता है। एस्ट्रोलॉजी में वैसे तो आपकी जो हॉरोस्कोप है वो आपकी पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, पर जब भी हम डेस्टिनी यानी कि भाग्य की बात करते हैं तो आपकी कुंडली का नाइन्थ हाउस आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है। अब अगर किसी की हॉरोस्कोप में नाइन्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड, जिन्हें भाग्येश कहते हैं, अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति की लाइफ में हमेशा सक्सेस अर्ली स्टेजेस में मिल जाती है, उन्हें लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। और वहीं अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हॉरोस्कोप में वीक होती हैं, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लाइफ में स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, उनके कभी भी टारगेट्स जो होते हैं वो अचीव नहीं हो पाते हैं। आजकल के टाइम में डेस्टिनी यानी कि भाग्य को फाइनेंस यानी कि पैसे से जोड़ा जाता है, तो एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो वो हम वीनस यानी कि शुक्र से देखते हैं। अगर किसी की हॉरोस्कोप में डेस्टिनी हाउस और डेस्टिनी लॉर्ड जो है भाग्येश, वो दोनों स्ट्रॉन्ग है पर वीनस वीक है या फिर नीच राशि में बैठे हैं किसी की जन्म पत्री में, तो ऐसे में भी उस व्यक्ति को लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें कभी भी सक्सेस नहीं मिल पाती, इसी के साथ जो उनके टारगेट्स होते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं, वो भी अचीव नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए डेस्टिनी हाउस और डेस्टिनी लॉर्ड के साथ साथ वीनस की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। अब आप किसी की हॉरोस्कोप में कैसे देखें कि डेस्टिनी हाउस उनका हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग है, तो पहला है, अगर किसी की हॉरोस्कोप में डेस्टिनी लॉर्ड यानी कि भाग्येश उच्च राशि में बैठे होंगे या फिर वो डेस्टिनी हाउस में प्लेस्ड होंगे या फिर वो डेस्टिनी हाउस को एस्पेक्ट करते होंगे, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जो डेस्टिनी हाउस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, अगर किसी की हॉरोस्कोप में डेस्टिनी हाउस में शुभ ग्रह बैठे होंगे या फिर कोई शुभ योग बन रहा होगा जैसे कि गज केसरी योग, तो ऐसे में जो भाग्य स्थान होता है वो पावरफुल हो जाता है और ऐसे व्यक्ति का जो डेस्टिनी यानी कि भाग्य होता है वो भी स्ट्रांग होता है। तीसरा है, अगर भाग्येश यानी कि नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का लग्नेश या फिर पंचमेश फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट होता हो, तो ऐसे में भी उस व्यक्ति को लाइफ में ईजीली सक्सेस मिल जाती है। तो अगर किसी के ये कॉम्बिनेशन हॉरोस्कोप में हमें देखने को मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य यानी कि डेस्टिनी हाउस होता है वो पावरफुल होता है। अब अगर बात करें कि किसी की हॉरोस्कोप में
डेस्टिनी हाउस जो है वो वीक है। तो पहला है, अगर किसी के डेस्टिनी हाउस यानी कि नाइन्थ हाउस में पाप ग्रह बैठे हैं या फिर पाप योग बन रहा है जैसे कि गुरु चांडाल योग या फिर अंगारक योग, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में हमेशा स्ट्रगल होता है। दूसरा, नाइन्थ हाउस में कोई भी नीच के प्लेनेट बैठे हो या फिर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो नीच राशि में बैठे हों। तीसरा, अगर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में बैठे हों। चौथा, अगर नाइन्थ हाउस में हैंगिंग बिटवीन टू मैलिफिक्स हो यानी कि उसे पाप कतरी योग कहते हैं, नाइन्थ हाउस से सेकंड में और नाइन्थ हाउस से ट्वेल्थ में कोई भी पाप ग्रह बैठे हों, तो ऐसे में भी उस व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर ये कॉम्बिनेशंस किसी की हॉरोस्कोप में दिखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पूरी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें इजीली सक्सेस नहीं मिल पाती है। पुराने टाइम से ही एक डिस्कशन रहा है कि कर्म बड़ा या फिर भाग्य, तो इस डिबेट का, इस डिस्कशन का कभी भी अंत नहीं है। पर मेरा मानना ये है कि ये दोनों बराबर हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य पे ही डिपेंड रहेगा और कर्म नहीं करेगा तो ऐसे व्यक्ति को भी सक्सेस नहीं मिलेगी। पर अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कर्म करता रहेगा और उसके साथ भाग्य नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी यानी कि सक्सेस नहीं मिलेगी। प्रारब्ध का मतलब होता है संचित कर्म यानी कि कलेक्शन ऑफ पार्ट्स पास्ट डीड्स, जिसके फल हमारे को इसी जीवन में मिल जाते हैं। अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको इस जीवन में अच्छे फल मिलेंगे, और अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो अगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है या फिर प्रॉब्लम्स है तो आपको पूरे जीवन उसका प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल ही फेस करना पड़ेगा। अगर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो उन कर्मों का कुछ फल आपको इस जीवन में मिल जाएगा। तभी किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं यानी कि कभी तो वो अप जाते हैं कभी डाउन्स आते हैं, तो इसे ही हम प्रारब्ध कहते हैं। तो ये थी एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसमें हमने भाग्य और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, इसी के साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसी के साथ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।